सफल होने का सही तरीका। आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही मार्ग क्या होता है। इन लोगों को रास्ता तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि आज उस रास्ते पर स्टेप वाइज स्टेप कैसे चलना है। आप जब भी सीढ़ी चलते हो ना, तो स्टेप वाइज चढ़ते हो। आप ऐसा नहीं करते हैं कि सबसे पहले पड़ी सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम चौथा या पांचवा सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको पता होता है कि ऐसा करने से आप गिर सकते हो। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हो ना, तो आप यही गलती करते हो। आप पहले के बाद तीसरे या चौथे या पांचवे पर कदम रखना चाहते हो और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो ना, आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्य होनी चाहिए और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्कल को आप ध्यान में रखकर इस सर्कल की एक बातों को डिटेल में समझते हैं। नंबर वन, ज्ञान का होना। सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन किस चीज का ज्ञान? आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसके बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। योग्यता का होना। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए यदि आप योग्यता नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी योग्यता को डेवलप करने के लिए जब भी आप कोई कोर्स करते हो ना, तो आपको पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे MBBS करना होता है तो 4 से 5 साल लगेगा, BA करना होता है तो 4 से 5 साल लगेगा। तो यहाँ पर आपको योग्यता पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पर आपको कितना साल लगेगा। तो इसका मतलब क्या और क्यों पता होने के बाद इसका पता होना बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे और अपनी योग्यता को डेवलप करेंगे। तो ये दो स्टेप काम नहीं करेंगे यदि आप तीसरे स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। और तीसरा स्टेप यह है कि उस काम में आपकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका काम करने का मन या उनके काम करने का इच्छा नहीं होती। आप मोटिव प्लस एक्शन का होना भी बहुत जरूरी है और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर इस शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप उस काम को, उस आस को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उम्मीद है आप मेरी इन बातों को समझेंगे।